खरसिया विधानसभा के आप पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने कल बिलासपुर में हुई पुलिसिया कार्यवाही को लोकतंत्र के लिए काला दिवस बताया और भाजपा पर निशाना साधा। जो बिलासपुर में बहुत ही दर्दनाक और मैं कहूंगा लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस घुस के पुलिस बलपूर्वक लाठी प्रयोग करी है, लाठी से उनके सर पे वार किया गया है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसा मेरी जानकारी में आया है कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता अमर अग्रवाल जी के घर में कचरा फेंकने के अभियान से जा रहे थे, पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कचरा फेंकने में सफल हुए कि नहीं हुए, लेकिन संयम उनको भी रखना चाहिए था, किसी के निजी आवास पे नहीं फेंकना चाहिए था। लेकिन किसी भी कदम को जो पुलिस द्वारा उठाया गया है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय के अंदर घुस के महिलाओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर बलपूर्वक इस तरीके से लाठी भांजना, मैं बोलूंगा इससे काला दिन हमारे छत्तीसगढ़ के राजनीति और छत्तीसगढ़ की राज्य बनने के बाद नहीं आया होगा जो आज आया है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में घुस के वहां के कार्यकर्ता को निकाल निकाल के मार रहे हो। तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और तुरंत जो अधिकारी इसमें शामिल है उनको सस्पेंड नहीं, उनको टर्मिनेट करना चाहिए सर्विसेज से। दे आर नॉट फिट टू स्टे इन द पुलिस सर्विसेज।